ओके सो पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स इस सीरीज में चलिए हम अगली वीडियो में बात करते हैं वीएस कोड एंड पाइथन की इंटीग्रेशन की। तो वीएस कोड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जिसपे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर सकते हो। काफी सारी आपको फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन देता है ये। तो हम इसको यूज करेंगे पाइथन के प्रोग्राम्स रन करने के लिए। देखो आइडल अपनी जगह सही है जिसकी हमने बात की थी ना यूज करना, बट वीएस कोड एक अपना एनवायरमेंट देता है। तो ठीक है, दोनों में ही आप काम कर सकते हो। तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रहा हूँ कि यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट वीएस कोड और आप पाइथन के आइडल जो इंटरप्रेटर है आप उससे भी काम चला सकते हैं। तो आपको देखना है, मैं दोनों यूज करूंगा। वीएस कोड आई गेस मैं ज्यादा यूज करूंगा। तो करना क्या है देखो, तो मैंने आपको लास्ट में इंस्टॉलेशन के स्टेप्स बताए थे पाइथन के, और वीएस कोड को बोला था अगली वीडियो में करेंगे। तो मैंने हटा दिया अपने लैपटॉप से पाइथन और आइडल वगैरह, दोबारा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ से जैसे आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो ये ऑप्शन मैंने सब बताया था आपको। यहाँ से आपने सीधा डाउनलोड क्लिक करना है, एंड अगर आप देखोगे पाइथन पाइथन मेजर न्यू सीरीज है ना, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे विंडोज का एक इंस्टॉलर आ जाना चाहिए, विंडोज एम्बेडेड पैकेज 64 बिट। ठीक, तो यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, एम्बेडेड पैकेज तो खैर अपने को नहीं चाहिए, इंस्टॉलर ही कर लेते हैं डायरेक्ट। हाँ, तो इसे exe फाइल मिल जाएगी और मैं उसको डायरेक्ट क्या कर लूंगा, आपका इंस्टॉल। चलो, सो इट विल टेक सम टाइम। 27 MB का आपका ये सॉफ्टवेयर है। ओके, तो जैसे ही डाउनलोड हो गया है मेरा, अब अपने को करना है ये इंस्टॉल। तो मैंने बताया था ऐड दिस पाथ, ये क्लिक करना है आपको, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिए, रिक्वायर्ड परमिशन दीजिए, एंड विद इन सम टाइम इट विल बी इंस्टॉल्ड। चलिए, थोड़ा टाइम लेगा आई गेस ये। मैं विंडो पॉज करता हूँ और दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ। ओके, सो आई गेस एक आध मिनट लगा होगा इसको इंस्टॉल होने में, एंड इट्स देयर। तो मैं अगर विंडो आर CMD में जाके ट्राई करूं पाइथन, तो ये देखिए 3.10.4 आपका वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। और ये तीन जो आपको ग्रेटर देन के सिंबल दिख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इट्स योर पाइथन इंटरफेस। ठीक है, एक और आई गेस कमांड है py -334 python 3 एंड हाइफन हाइफन वर्जन। अच्छा, ये इसके लिए नहीं है कमांड, ठीक है, ये मैं आपको वीएस कोड में दिखाऊंगा चला के कि वहां पे अगर वर्जन चेक करना है पाइथन का तो कौन सा वर्जन है। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा आप पाइथन लिख दोगे, आपको अपना वर्जन दिखा देगा। अच्छा, उसके बाद जो मैं बात कर रहा था, ये काम हुआ कंप्लीट। यहाँ पे आप सिंपली आइडल सर्च करोगे तो ये देखो पाइथन इंस्टॉल करते ही ये आ जाएगा, आप इसको रन कर लो, एज एडमिन कर लो। ठीक है, यस, तो आफ्टर सम टाइम इट शुड बी देयर। ये देखिए, तो अपने पास क्या आ गया है, पाइथन इंस्टॉल हो गई और पाइथन का जो इंटरफेस है वो भी अपने पास आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, आई, आपका इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर। आज थोड़ी सी एनर्जी लो है तो पार्डन फॉर दैट। ठीक है, उसके बाद वीएस कोड की बात करते हैं। ये जो सारा का सारा ये लिंक है, पहली बात तो ये मैंने आपको शेयर करा हुआ है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे इंस्टॉलिंग वीएस कोड एंड इंटीग्रेटिंग पाइथन, ये मैंने आपको लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके पास तीन रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ से ही मैंने ये सब कुछ उठा के थोड़ा सा अच्छे शब्दों में लिखा है कि वीएस कोड आपके पास होना चाहिए, वीएस कोड पाइथन एक्सटेंशन होना चाहिए, और आपके पास पाइथन 3। पाइथन 3 तो मैंने इंस्टॉल कर दिया है ना, तो दूसरी ये दो चीजें बची हैं मेरे पास, एक वीएस कोड और एक मैं क्या करता हूँ जो एक्सटेंशन। तो वीएस कोड का एक्सटेंशन तो कब मिलेगा आपको, जब आप एक बार वीएस कोड को इंस्टॉल कर लेंगे। तो डाउनलोड करना है मेरे को यहाँ से Windows 8 10 11 के लिए, कौन सा करना है, 64 बिट, 64 32, कौन सा आप यहां से उठा लो 64 बिट। तो यहां से आपका डाउनलोड लग जाएगा, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग। तो 75 MB का है, तो आई गेस मेरे पास पड़ा होगा ऑलरेडी डाउनलोड, अगर नहीं पड़ा होगा तो ये हो जाएगा, कुछ ज़्यादा टाइम इसमें लग नहीं रहा है। अच्छा, ये होने के बाद ना फिर हमने क्या करना है, जो अपना अगला सेक्शन है वो इंस्टॉल होते ही मेरे को इसके अंदर फिर पाइथन को क्या करना है। देखो वीएस कोड मैंने बताया था ये क्या है, सबके लिए है ना, तो पाइथन को इसमें डालने के लिए कि भाई आपके वीएस कोड में पाइथन भी चले ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ता है उसके अंदर। ठीक है, तो पहले एक बार ये डाउनलोड हो जाए, फिर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ और फिर पाइथन भी आपको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ। चलिए कंप्लीट है, तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल करेंगे।
ओके इट इज टेकिंग सम टाइम, गिव द नेसेसरी परमिशंस, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट, देन आप ये देख लो, आपको ये दोनों तो करने ही है, डेस्कटॉप आइकॉन चाहिए है तो आप क्लिक कर लो, अदरवाइज यू कैन स्किप इट, इंस्टॉल। सो अगेन ये भी आई गेस ज्यादा टाइम नहीं लेगा, एंड लेट इट रन। ओके सो जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है फिर अगला स्टेप हमारा क्या बचता है कि आपका वीएस कोड तो आ गया, उसके अंदर हमको इंटीग्रेट करना है पाइथन। डैनेज लॉन्च है, चलो मैं लॉन्च कर देता हूँ, लॉन्च वीएस कोड। और यहां से आप इसको लॉन्च करने के बाद उसको भूल जाओ फिलहाल। तो अब आपको इंस्टॉल करना है ये एक्सटेंशन पाइथन का, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंस्टॉल पे। तो जो हमने छोड़ दिया था अपना वीएस कोड है ना एज सच वो बैकग्राउंड में, तो इंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है, तो आप इस पे क्लिक करिए। तो इट विल टेक सम टाइम, मैं क्या करता हूँ तब तक विंडो पॉज करता हूँ, दोबारा से वापस आऊंगा जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके सो अभी आप देखेंगे यहाँ से इंस्टॉल हो गया है ना, तो मैं इसको अगर हटाऊं यहाँ से, और ये मैंने कोई प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना फिलहाल टेस्ट डॉट पी वाई के नाम से एक प्रोग्राम है, प्रिंट करवाऊंगा मैं, नाम है नेटवर्क नगेट से, बस कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पाइथन लिखना होता है कोई भी प्रोग्राम रन करने के लिए, और फिर उस प्रोग्राम का उस कोड का नाम, जैसे मेरे कोड का नाम क्या लिखा है यहाँ पे, टेस्ट डॉट पी वाई है, टेस्ट डॉट पी वाई मैं चलाता हूँ, तो देखो मेरा नाम आ गया कुलदीप शोकन नेटवर्क नगेट्स, ठीक है। तो यहाँ से ही आपको मैसेज आ जाएगा इंस्टॉल्ड है आपका, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप इसको हटा दोगे तो आपके पास पुराने प्रोग्राम्स पड़े हैं है ना, जो भी मेरे पास मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी प्रोग्राम्स मैंने जो नंबर बना रखे हैं, एक्सप्लोरर जो दिख रहा है ना शुरू में, इस पर क्लिक करोगे आपको अपने सारे सॉरी प्रोग्राम्स दिखा देगा। नया प्रोग्राम बनाना है कोई भी, आप न्यू फाइल पे क्लिक करोगे, कोई भी नाम दे दोगे, टेस्ट 1 2 3 डॉट पी वाई, डॉट पी वाई एक्सटेंशन जरूर रखना है ना, ताकि पाइथन पहचान ले ये मेरा रनेबल प्रोग्राम है पाइथन के लिए। एम्प्टी होगा यहाँ पे, हम जो भी कोड लिखेंगे फिर ऐसे अपनी फाइलें बना बना के कोड यहाँ बनाएंगे। तो मान लो अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग कोड यहाँ से हटा दूँ तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, फोल्डर बनाना कोई डिफॉल्ट में, जैसे मैं सारे काम कर रहा हूँ आप अपना खुद का फोल्डर भी यहाँ से बना सकते हो, और उसी में आपके सारे प्रोग्राम होंगे, तो आप अपने हिसाब से अपनी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा कुछ है, आप गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, हाउ टू स्टार्ट यूजिंग वीएस कोड एंड ऑल, तो आपको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा, पर मैं उतना ही कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ जितना मैंने अभी किया है, और जितना हमारे लिए अभी पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर जो बेसिक हमें पढ़ना है उसके लिए जरूरी है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। सो ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारा, तो यहाँ पे मैं कमांड वो रन करके देख लेता हूँ एक बार, है ना, कि अकेला पाइथन तो अगर आप चलाओगे ना तो इसमें क्या दिखा रहा है आपको, आप किस में आगे देखो, अब ये थोड़ा सा समझेंगे जरा। अगर मैं पाइथन के आइडल इंटरप्रेटर पे काम करना चाहता हूँ तो यहाँ से आपको देख पा रहे हो आप तीन ये जो ग्रेटर देन के सिंबल है, पर ये आपको जो देखने को मिल रहा है आपका जो इंटरफेस होगा ना टर्मिनल, इसको टर्मिनल बोलते हैं, जहाँ पे हम नीचे का ऊपर तो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो नीचे ये टर्मिनल टर्मिनल है जिसमें ये प्रोग्राम रन करूंगा। देखो दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। वीएस कोड पे यहाँ ये प्रोग्राम, अब अगर आप सिर्फ आइडल पे काम करते ना, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं कि अगर मैं ये आइडल ओपन करूं, यू वांट टू रिमूव दिस आइटम, ओके रिमूव करता हूँ, दोबारा ओपन कर लूं आइडल, और मैं इसको सेट कर दूं अपने दोबारा से टास्क बार पे एज यूजुअल जैसे मैं हमेशा रखता हूँ। और यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक प्रोग्राम बनाना, फिर उसको सेव करना, फिर फाइल में जाओगे ओपन करोगे फिर उसको रन करोगे, तो बड़ा तामझाम है, ठीक है। तो उससे अच्छा क्या है, हमको यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, इंटरफेस भी जहाँ पे आप रन कर सकते हो उसी टाइम पे नीचे वाली स्क्रीन पे, और ऊपर वाली स्क्रीन पे आप रियल टाइम में अपना प्रोग्राम लिख भी सकते हो, तो चेंजेस भी आपको साथ के साथ में दिखते रहेंगे और आउटपुट भी साथ के साथ में। तो यहाँ से मैं कंट्रोल जेड करके यहाँ से एग्जिट कर दूं, या अगर मैं दोबारा से लिखूं पाइथन, आप इंटरप्रेटर में चले गए एग्जिट और ये लिखेंगे तब भी आप एग्जिट कर जाओगे यहाँ से, ठीक है। और अब ये जो मेरा इंटरफेस है यहाँ पे, मेरा जो टर्मिनल है ये है गिट, ठीक है। आप गिट इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, और सिंपल गूगल भी करोगे ना हाउ टू इंस्टॉल या फिर हाउ टू ऐड गिट विद वीएस कोड, तो जैसे पाइथन हमने ऐड किया ऐसे ही आप गिट को ऐड कर सकते हो, एक सिंपल सी कमांड आती है वो आपको चलानी होती है सेटिंग में जाके, है ना, और ये मिल जाएगा। अदरवाइज आपका जो डिफॉल्ट टर्मिनल है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप सारे काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की, ठीक है। चलो तो बस इसमें क्या है, रंगीन सा है थोड़ा सा ना, वही फर्क है, अदरवाइज सब कुछ उसमें चलता है, इसमें भी ऐसा ही चलता है।
यहाँ प्रोग्राम बनाएंगे, यहाँ पे रन करेंगे, यहाँ प्रोग्राम बनाएंगे, ऊपर नीचे रन करेंगे, बस इतना फंडा है। ये आपको समझ में अभी तक आना चाहिए। पाइथन इंस्टॉल हो गया, आइडल आपके पास आ गया, वीएस कोड हो गया, वीएस कोड में पाइथन इंटीग्रेट कर ली। इसके बाद अगर मैं चलता हूं अपनी स्लाइड पे, यहाँ पे ठीक है, यही सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी है। तो इस वीडियो में एज सच कोई ऐसा यू नो वो नहीं था, कोई टेक्निकल चीजें जो हमने डिस्कस की हो, बट हम अभी तक अभी एक दो वीडियोस के अंदर क्या किया, सिर्फ अपना वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ताकि जो अगला मेरा पार्ट रहेगा उसके अंदर मैं क्या कर पाऊं, मेरे को सारी चीजें रेडी मिले और मैं अपना काम इजीली कर पाऊं। तो ये वो कमांड है, अगर आप चला के देखोगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये देखो पाए माइनस जीरो की जो कमांड है किसके लिए है आपकी, मैं अपने अगर टर्मिनल की बात करूं ना, तो वो वैसे चलनी चाहिए थी वहां पे हमारी विंडोज में, तो मैं देखूंगा कि उसमें क्या दिक्कत थी, क्यों नहीं चली थी वहां पे। दोबारा ट्राई करेंगे एक बार, या कमांड गलत लिखी थी मैंने, मैं ट्राई करता हूँ। कमांड क्या है, पाए माइनस थ्री हाइफन हाइफन वर्जन है ना, पाए माइनस थ्री हाइफन हाइफन वर्जन, हाँ मैंने शायद कमांड गलत लिख दी होगी, या फिर अगर सिंपल पाइथन लिखते हो इससे आपका क्या होगा, वर्जन तो दिखा ही रहा है आपको, साथ में कहाँ पे भी ले जाएगा, आपके आइडल इंटरप्रेटर पे ले जाएगा, ठीक है, काइंड ऑफ उस इंटरफेस पे। यहाँ पे अगर पाए माइनस थ्री हाइफन हाइफन वर्जन लिखते हो तो सिर्फ आपको क्या दिखाता है, यहाँ से पाइथन का वर्जन, ठीक है। आपको एग्जिट करना है तो अगेन एग्जिट अकेला काम नहीं करेगा, एग्जिट एंड ये ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है जी, बढ़िया। उसके बाद कुछ ऐसा बचा है, ये मैंने आपको जो अभी बताया था कि अगर आप सिंपली क्या करोगे, ब्राउजर पे जाके और लिखोगे हाउ टू एड गिट टर्मिनल, आ भी जाएगा इधर है ना, विद इन विजुअल स्टूडियो कोड। तो सिंपली क्या है, ओपन वीएस कोड, देन ओपन सेटिंग, फाइल प्रेफरेंसेज सेटिंग है ना, और कंट्रोल, एक ये शॉर्टकट होगा आई गेस, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप तो नहीं, कंट्रोल शिफ्ट F6 कुछ ऐसा है, तो ये देख लेना आप है ना, जो भी इसकी ये रहेगी ना, ये लिंक है, आप इसको ओपन करके और देख लेना और इंटीग्रेट कर लेना। अगर कोई दिक्कत आती है जो कि आएगी नहीं, सिंपल सा एक यहाँ पे यू नो आपको एक एडिशन करना है, तो आप यू नो देख लेना, हो जाएगा, अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट में बता देना, मुझे मेल कर देना, जो भी होगा। अदरवाइज अगर आप नहीं भी करोगे ना, गिट ऐड नहीं भी करोगे, मैं बोलता हूँ अगर इफ यू वांट टू जस्ट कीप इट सिंपल, देन आपका जो डिफॉल्ट टर्मिनल है दैट्स ओके, ठीक है, उस पर कोई भी आपको 1% भी ऐसी रत्ती पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये जस्ट यू नो थोड़ा सा फैंसी अगर करना है, रंग बिरंगा सा यू नो एक थोड़ा सा फनी सा एक इंटरफेस, फनी तो नहीं कहूंगा बट हाँ एक इंटरेस्टिंग सा इंटरफेस बनाना है तो यू कैन यूज दैट। चलो अब अगर हम वापस से चलते हैं तो आई गेस काफी है हमारे पास इस वीडियो के लिए, जो मटेरियल हमने क्या किया है कि भाई अभी तक पाइथन इंस्टॉल किया है, आइडल इंटरप्रेटर देख लिया है और आगे अगली वीडियो में उस पर काम करेंगे थोड़ा बहुत, एंड हमने वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया, उसके अंदर पाइथन की एक्सटेंशन डाली, कुछ ज्यादा किया नहीं है, अगेन एक एक करके छोटे छोटे यू नो बेबी स्टेप्स से हम क्या करेंगे, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पहला काम करेंगे, पहला प्रोग्राम रन करेंगे पाइथन के अंदर छोटा सा, और देखेंगे कि पाइथन में डिस्प्ले कैसे आपकी प्रिंट की जाती है। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए, बाय बाय।